బేగం బసా డివిజన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లో పార్టీ కార్యకర్తలకు డైలీ వేజర్స్ లేబర్స్కు ఆదిత్య కృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఒక్కొక్కరికి సోనా మసూరి 25 kg రైస్ బ్యాగ్స్ N95 మాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నందకిషోర్ వ్యాస్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజలకు మా ట్రస్ట్ నుండి సహాయం చేస్తామని, కార్యకర్తలకు ఎవరైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి హాస్పిటల్లో చేర్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. आदित्य कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 200 राइस बैग्स एवं 2000 N95 मास्क पार्टी कैडर को और यहाँ पर जो डेली वेजेस पे काम करते हमाली है उनके परिवार वाले जो मजदूरी करके जीने वालों को ट्रस्ट के द्वारा मदद किया जा रहा है. हम प्राउड करते हैं चंद्रशेखर राव जी जैसा सीएम कोई स्टेट में नहीं है. आज हिंदुस्तान में हमारे स्टेट में जो कार्य चल रहा है कहीं भी नहीं है. KCR जी, KTR जी, पूरा परिवार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जनता की सेवा के लिए काम कर रहा है. जनता को भयभीत होने की जरूरत नहीं है. हर व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरा का पूरा कोरोना महामारी खत्म हो जाएंगी. धैर्य बनाए रखना. मैं पार्टी कैडर से विनती करता हूँ, अपने अपने बस्ते में कोई भी तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो उन्हें सुविधा दे, अस्पताल तक पहुँचाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाए, अनाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और कोई भी समस्या हो जनता को तो हमारे ट्रस्ट को इतला करे, हम उसके लिए तैयार रहेंगे. जय तेलंगाना, जय KCR, जय केडिया. इस 2020 जो महामारी फिर से शुरू हुई है और लॉकडाउन हुआ है, हमारे आदित्य कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन नंदकिशोर भैया जी जो कार्य TRS पार्टी कैडर एवं पुअर नीडी पीपल को जो 25 kg राइस बैग एवं N95 देने के लिए जो निर्णय लिए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे भाई जी को धन्यवाद करती हूँ. आज बेगम बाजार डिवीज़न में ये राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. इस कठिन पैंडमिक टाइम में हमारे भाई हमारे साथ हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ.